जनपद हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र में हो रही लगातार विद्युत कटौती से परेशान सैकड़ों किसान ने बिजली घर का घेराव कर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। बता दें कि बिजली का बिल जमा न किए जाने पर किसानों के विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं और विभागीय अधिकारी किसानों की कोई सुध लेने को तैयार नहीं है, इसीलिए किसान करने पर मजबूर हो रहे हैं। भाकियू के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि बिजली विभाग अगर किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं करता है तो किसान उग्र आंदोलन करेंगे। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। मंगलौर बिजली घर पर धरना दिया हमने, 15 तारीख में एक नोटिस जारी कर दिया था यहाँ के SC महोदय को, दोनों एक्शन को, ग्रामीण वाले को भी, टाउन वाले को भी, क्योंकि क्षेत्र में लगातार एक तो अघोषित बिजली कटौती करी जा रही और अवैध तरीके से छप्पेमारी करी जा रही और किसानों पर, मजदूरों पर, गरीब जनता पर बिल इतने बढ़ा चढ़ा के भेजे जा रहे। अगर किसी का बिल एक महीने का 1000 का आया तो अगले महीने में वो 5000 का होगा और ठीक करने के लिए किसानों को, मजदूरों को चक्कर काटने पड़ रहे। हमारे पास रिकॉर्डिंग है जो वो ठीक करने के लिए उनके जो कर्मचारी वे पैसे मांगते हैं, तो हमने कई बार अधिकारियों को कहा लेकिन बिजली विभाग इतना लापरवाह हो रहा है कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। 4-5 दिन हो गए हमने नोटिस जारी करा था, बिजली विभाग की तरफ से कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया गया, इसीलिए आज मजबूरी में हम यहाँ बिजली घर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए और जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा यहाँ पर धरना अनिश्चितकालीन चला रहा। ये किसानों की जो अघोषित बिजली के कट है, जब पानी देने का टाइम हो जाता है तब ये कह देते हैं एक्शन को फोन करो ये जी ऊपर से कट रही, ऊपर से कट रही, पता नहीं भगवान ही काट रहा किसानों के लिए बिजली, बताते नहीं है कुछ भी। और ये जो बिजली में बिलों में हेराफेरी कर रखी, ये जो छोटे लाइनमैन हैं इनके पैसे खाने का ये काम बना हुआ है, तो इन्हें बहुत समझाने पे जब ये कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई इनका SC एक्शन कोई सुनने को तैयार नहीं, तो आज फिर शास्त्री जी ने फैसला किया था यहाँ पे जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा, जब तक मांग नहीं मानेंगे तब तक चलेगा।